नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। चीन के चुंगचिंग में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एयरपोर्ट पर तिब्बत एयरलाइन का विमान टेक ऑफ के वक्त रनवे पर फिसल गया। इस वजह से विमान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त विमान में 113 यात्री और 9 क्रू मेंबर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि आग टेक ऑफ के वक्त लगी विमान में सवार सभी 113 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कुछ यात्रियों को हल्की चोटें भी आई हैं। यह विमान चुंगचिंग से यिंगची जा रहा था, तभी टेक ऑफ के वक्त यह हादसा हो गया। इसके बाद विमान में आग लग गई। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तिब्बत एयरलाइंस ल्हासा में स्थित क्षेत्रीय एयरलाइन है। एयरफील्ड्स नीट के मुताबिक इसके पास 28 A319S समेत कुल 39 विमान है। इससे पहले चीन में 2 महीने पहले ही भीषण हादसा हुआ था। यहां चीन के ईस्टर्न एयरलाइंस का विमान हादसाग्रस्त हो गया था। तो वैसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।